हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस यमी पिज्ज़ा, जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। यहाँ पे मैंने रेड एलो कैप्सिकम लिया है और 1 अनियन एंड टोमेटो, साथ में हरी मिर्च भी। मैंने यहाँ पे एक हैंडी चॉपर लिया है, उसमें हम डालते हैं अपने कैप्सिकम को और बस कुछ ही सेकंड में ये इतना फाइन चॉप करेगा कि बस देखते रह जाएंगे। ये देखिए कितना फाइन चॉप हुआ है। ऐसे हम एलो को भी कर लेंगे कैप्सिकम। अब हम अनियन को कर रहे हैं। अनियन तो इतना फाइन चॉप होता है कि बस इतना तो हम नाइफ से कभी कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा चॉप होता है ये। अब मैंने सारे चॉप कर लिए हैं, साथ में मैंने जब टोमेटो किया तो उसी में ग्रीन चिली भी डाल दिया। अब हम एक पैन ले सॉरी एक बाउल लेंगे, उसमें 1/2 कप सेमोलिना ऐड करेंगे और उसमें अपने सारे वेजीज को ऐड कर देते हैं एक एक करके। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी हमें और पानी ऐड करना है इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेते हैं हम। हमें बैटर को बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा और थिक भी नहीं रखना है। तो हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑरिगानो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा बैटर बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसको गरम करेंगे और इसमें 1 टीस्पून के बराबर हम ऑयल डालेंगे इसमें हम, और इसको एक ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से पूरे पैन में। अब हम बैटर को पोर करेंगे। अभी हमारा बैटर बिल्कुल अच्छा सा है, ना बहुत थिक है और ना ही बहुत वाटरी है। बस अब हमारा बैटर डल चुका है, इसे हम बराबर कर लेंगे चारों तरफ से स्पैचुला से ही, और इसे कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे कुक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसके साइड भी अच्छे से छूट रहे हैं और अब इसे हम फ्लिप कर लेंगे, पलट लेंगे इसे हम। ये हो गया है। अब हम इस पे पोटैटो को बहुत पतले स्लाइस मैंने कट किए हुए हैं, उसको एक उसका एक लेयर लगाएंगे, फिर ऊपर से हम डालेंगे चीज़। आप जो चाहे वो चीज़ डाल सकते हैं, मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर से फिर एक पोटैटो का लेयर लगाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पोटैटो की स्लाइस बहुत पतली होनी चाहिए। ऊपर से हम लगा देंगे ना स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगिनो एंड चिली फ्लेक्स, और फिर थोड़े से चीज़ को भी डाल देंगे, और सॉल्ट डालेंगे हम क्योंकि पोटैटो में सॉल्ट चाहिए होगा, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे कवर करके हम 10 से 12 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे, बीच में एक बार चेक करके। अभी ये हो चुका है, अब हम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में खाली कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके पीछे का भाग भी पक गया है या नहीं, अच्छी तरह से कुक हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसे एक पिज्जा कटर से हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा पिज्जा बनके बिल्कुल रेडी है, हेल्दी पिज्जा। इसे आप ब्रेकफास्ट में
इवनिंग स्नैक्स में चाहे जब खाइए, बहुत हेल्दी है ये। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।